हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो आप में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि नेटफ्लिक्स की जो सैंडमैन सीरीज़ है इसका मैं रिव्यू कर दूं। तो कल रात को ही मैंने ये सीरीज़ कंप्लीट की। हालांकि सैंडमैन है तो डीसी की प्रॉपर्टी, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इस पर टीवी सीरीज़ बनाई है और सैंडमैन डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, ये अलग स्टैंड अलोन यूनिवर्स है। लेकिन ये पॉसिबल है कि फ्यूचर में सैंडमैन भी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में आ सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे डेयरडेविल का कैरेक्टर एमसीयू में आ गया है। अब सैंडमैन टीवी सीरीज की बात करें तो बेसिक प्लॉट्स का ये है कि हमें कुछ सुपर नेचुरल बींग्स दिखाए जाते हैं जिन्हें हम एंडलेस भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारा लीड कैरेक्टर है जिसका नाम है ड्रीम और डेस्टिनी, डेथ, ऐसे करके कई सारे एंडलेस कैरेक्टर्स हैं जो कभी मर नहीं सकते, इमॉर्टल हैं। और एक रियल्म होता है इंसान की दुनिया, तो जो एंडलेस होते हैं ये अपने रियल से इंसानों के रियल में आ जा सकते हैं। तो इसमें हमें ये दिखाया जाता है कि कल्ट होती है जो डेथ को एक तरीके से पकड़ने की कोशिश करती है, यानी डेथ को अगर कब्जे में ले लिया जाएगा तो जो शख्स मर चुके हैं या किसी शख्स के लव्ड वंस जो मर चुके हैं उनको दोबारा जिंदा किया जा सकता है, ये थिंकिंग होती है उस मैजिशियन कल्ट की। तो वो लोग डेथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से वो लोग हमारे लीड कैरेक्टर ड्रीम को पकड़ लेते हैं। और जो ड्रीम होता है हमारा, ये दरअसल डेथ का सिबलिंग होता है। और जब उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि हम डेथ को पकड़ना चाह रहे थे लेकिन हमने तो ड्रीम को पकड़ लिया है, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि इसके साथ क्या किया जाए। तो वो लोग ड्रीम की जितनी भी मैजिकल थिंग्स होती हैं, जैसे उसका एक सैंड का बैग होता है, एक हेलमेट होता है, एक रूबी जो प्रेशियस स्टोन होता है उसको वो लोग उससे छीन लेंगे और एक क्रिस्टल में उसको कैद कर लेंगे। अब कई साल तक जो हमारा ड्रीम कैरेक्टर जो हमारा है लीड कैरेक्टर वो उसी क्रिस्टल में बंद रहेगा, लेकिन फाइनली वो उस क्रिस्टल से बाहर निकलता है और उसे पता चलता है कि अपना राज्य या अपना एम्पायर जो वो छोड़ के गया था वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। और इसकी जो सामान थे, यानी कि सैंड बैग हो गया, रूबी हो गया और हेलमेट हो गया, ये अब कई जगह गए तो मिसप्लेस हो चुके हैं। तो इसका काम ये है कि अपनी पुरानी चीज़ें हासिल करना। और सैंडमैन जब हमारा कैद के अंदर था तो उस वजह से जो ह्यूमन वर्ल्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि ड्रीम जो होता है वो लोगों के ड्रीम्स को कंट्रोल करता है। अब जब वो कैद था तो इससे ये हुआ कि एक स्लीपिंग डिसऑर्डर की बीमारी फैल गई है पूरी दुनिया में, बहुत से लोग इसमें मर गए। तो इन सब चीज़ों को सही करना है ड्रीम को। तो इसी के अराउंड हमारी स्टोरी घूमती है। मैंने कोशिश की कि मैं स्पॉइलर ना दूं आपको, क्योंकि ज़रा सा भी मैं एक्स्ट्रा कुछ बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। तो इसी अराउंड हमारी स्टोरी घूमती है। अब सबसे पहला प्लस पॉइंट जो है इसका वो है इसके विजुअल्स। विजुअल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी या जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के विजुअल्स पसंद आए हैं तो आपको इस टीवी सीरीज के विजुअल्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप फुल ऑन एक्शन अगर एज्यूम करके देखेंगे इस टीवी सीरीज को तो शायद आपको ये उतनी ज़्यादा पसंद ना आए, क्योंकि इसमें एक्शन उतना कुछ ज़्यादा नहीं है और स्टोरी भी देखा जाए स्लोली आगे बढ़ती है। पूरे तरीके से एक तरीके से फाउंडेशन बिल्डअप किया जाता है इस टीवी सीरीज का, क्योंकि सैंडमैन का जो एक तरीके से जो फ्रेमवर्क है और जिसका यूनिवर्स है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। और जो हमारा जॉन कॉन्स्टेंटीन है इसको लेके भी कई सारे आपको हिंट्स और ईस्टर एग्स मिलते रहेंगे इस मूवी में। हालांकि जॉन कॉन्स्टेंटीन का कैरेक्टर अपियर इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि जॉन कॉन्स्टेंटीन के कैरेक्टर पे जे जे एब्राम्स वर्क कर रहे हैं तो इसलिए नेटफ्लिक्स उस कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर पाया। ओवरऑल ये एक अच्छी टीवी सीरीज है, विजुअली का भी काफ़ी अच्छी है। और नेटफ्लिक्स जब भी एडाप्टेशन करता है किसी कॉमिक बुक स्ट्रिप की तो यही देखा गया है कि वो हमेशा एक तरीके से मास्टरपीस ही बनाता है। तो ओवरऑल तो मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा, काफ़ी अच्छी सीरीज है। और जो हमारे लीड कैरेक्टर हैं ड्रीम का रोल जो एक्टर प्ले कर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और कहीं कहीं पे आपको ब्रूस वेन की ग्लिम्स भी दिखेगी उनके फेस पे, जैसे रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन है ना, कि जब वो ब्रूस वेन के रूप में होता है तब भी कहीं तो एक तरीके से एक डार्क ब्रूडिंग फेस उसका बना रहता है। तो सैंडमैन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो काफ़ी हद तक वो आपको ब्रूस वेन की भी याद दिलाएगा। अभी तक आपने ये टीवी सीरीज नहीं देखी है तो मैं ये कहूँगा ज़रूर देखिए। और क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका एपिसोड एक्सप्लेनेशन करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।